नमस्कार मुझना स्वागत करोसईर आज आम बनवा आलु बैगण भजा जोटा गोटे सिंपल रेसीपी कि खास कर पखला भात सहित खाई समस्ते बहुत ही पसंद करते आशा कर आज आप समस्त को बहुत पसंद आसब तेज चलो देखने आज आलु बैगण रेसीपी नुआ नुआ ओडिया रोसेर वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर दिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। आळु बायगण भजा बनिया पई एठु मय यै छ अल्प किछि बायगण को बा 3 रु 4 टी बायगण को एटे म बिल्कुल गोल बला ओटे पतला आकार काटि के नै छी आपन चाहिले को भी साइज रो एटे बायगण को काटि के नै पारंती आ ता सहित एटे म नै यै छी दुटा मीडियम साइज रो आळु को मध्ये म बिल्कुल ए शेप रे आ ओटे पतला आकार काटि के नै छी अल्प किसी मूला को नहीं जोड़ा कि मुआकू पूरा पतला आकार काटिक नहीं गोटे कथा मन रखिए आप आलु बैगण को काटिकी सांगे सांगे पानी रे पकई देते तो एमती करने द्वारा आलु और बैगण टी आम जमा भी कला पड़ न था सहित मुझे दुटा मीडियम साइज पिज को लंबा और पूरा पतला आकार काटिकी गोटे बड़ चमच पंच फुटण को नहींचे अल्प किसी कंचा लंका को नहींचे तो ये मुझे गैस पर गोटे कड़े को बसई नहीं जो थी कि दुई चमच सोरस तेल को एबे पंच फुटण को फुटण टेदे पिज को तो ये आमको पिज कलर पूरा चेंज करवा जस्ट हालका टे भाजबार अच्छे पिज को भाजवा ये आम गोटे मिनट हो मीडियम फ्लेम एम देद आलु और बैगन को गोटे थर भी आपको भल से गोड़े ना आलु और बैगन को भलसे मिसई नहींचे देदे आम कंचा लंका को सहित देद हाफ चमच हलदी गुंड हाफ चमच लंका गुंड दबा ये लंका गुंड को बेस दौन जो आम कंचा लंका को देचे स्वाद अनुसार हाफ चमच लुण को देद सब मसला को तो एमदेले गैस रेन्टर को मीडियम रखा और ये सबको आम भलसे गोड़े ना गोटे थर तो ये आम आलु बैगन को बिना कभर करके दो मिनिट खंडे एमती भाजी नवा तो ये आपको एमती भाजवा पखापाखि दुई मिनिट हो मीडियम फ्लेम गोटे थर आपको आम भलसे गोड़े नवा कभर करके छाड़ नवा तो ये आपको आम कभर करके छाड़ नवा पखापाखि सात रु आठ मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम मझे मझे आप गोटे रु दुई थर खंडे ओलट पाल्ट कर नौथे ना यहाँ तलपट साइड रु लग तेज आम कभर को हटेदे ये आप देख पाथे भजाटे बिल्कुल परफेक्ट भाजी आ बहुत बड़ा कलर आसचे तो ये आम जमा भी कभर करवा नहीं एमती खेल चारिपट साइड को रखी ना आखापाखि दुई मिनिट पर्यटन मीडियम फ्लेम आपको एमती भाजी ना तो ये आम खेल भाजवा दुई मिनिट हो सारी मुझे गैस को बंद कर नौ तो ये आम आलु बैगण भजा आम होगा तो ये आपको गोटे प्लेट को काढ़ ना तो ये आम गरमा गरम आलु बैगण भजा है कि बिल्कुल रेडी बहुत बड़ा कलर मैं देखा खाई मैंने टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे तो आपर यह प्रोसेस आलु बैगण भजा को प्रस्तुत करूँ आ गरमा गरम भात ना खास करके पखाड़ भात सहित खाइले यहाँ बहुत ही बढ़िया लगी है आ बन गोटे थर आप पखाड़ भात सहित खातु बन सारे कमी लगेगा आपंकर एक्सपीरियंस मो कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करूँ आज रेसीपी जी आपको पसंद आज भिड को आदि इनस्टाग्राम और फेसबुक देखुन आप फेसबुक लाइक करनी आदि यूट्यूब देखुन आम चैनल को सब्सक्राइब करनी तेज देखा नेक्स्ट भिडे से पर्यटन विदाय दिखाई।